तथा आप कस्टमर में कैसे बात करना चाहते हो कैसे करना है आपको नहीं पता तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा जिस पर आप जा कर के वहाँ से डायरेक्ट बात कर सकते हो मैंने वहाँ पर लाइव बात करके भी दिखाया है हेलो फ्रेंड मेरा नाम है गणेश कुमार आप देख रहे हैं गणेश टीवी चैनल दोस्तों इस वीडियो में मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कैनरा बैंक की तरफ से जो भी यहाँ पे बैड न्यूज़ निकल कर के आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है तो अगर आपके पास कैनरा बैंक का या फिर आपके पास सिंडिकेट बैंक का जीरो सेविंग अकाउंट था तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ यहाँ पे है अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आप दोस्त ये सीओ कर लीजिए कि आप यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जाने वाले हैं क्योंकि आपका पैसा कट रहा होगा हर एक मंथ और आपको जो भी पैसा कटेंगे वो आपको एक तारीख को कटेगा और मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी देता हूँ कि आपका बैलेंस कटा होगा अगर आप एक मंथ में चार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए होंगे तो दोस्त कैनरा बैंक की तरफ से जो न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है वह है कि अगर आपके पास कैनरा बैंक का सेविंग अकाउंट है या फिर आपके पास सिंडिकेट बैंक का था तो सिंडिकेट बैंक जो है वो मर्ज हो कर केनरा बैंक में आ चुकी है ये बात आप लोगों को पता होगा ठीक है दोस्त अगर आपके पास बैंक अकाउंट है कैनरा बैंक का तो उसमें आप मैक्सिमम वन मंथ में चार ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं या तो वो ट्रांजेक्शन आप डेबिट कार्ड के थ्रू करो या फिर आप यहाँ पर गूगल पे, पे फ़ोनपे यू पी आई या फिर आप फिंगर की मदद से कहीं से आप पैसा विड्रॉ करो अब आप, आपको एक मंथ में पूरे के पूरे आपको सिर्फ चार ट्रांजेक्शन ही करने होंगे जैसे टा चार ट्रांजेक्शन से ज़्यादा करते हो जैसे चार ट्रांजेक्शन से पाँच ट्रांजेक्शन आप करते हो तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा एक ट्रांजेक्शन पे फाइव रुपीज़ लगेंगे और प्लस में आपको अठा एट्टीन परसेंट यानी अठारह परसेंट का जीएसटी चार्ज आपको पेमेंट करना होगा ये पेमेंट आपसे कब लिया जाएगा वो भी चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो वो पेमेंट जो दोस्त आपका होगा वो आपको इंस्टेंट या फिर आपको एक से दो दिन बाद आपका पेमेंट नहीं लिया जाएगा ये पेमेंट आपको सारे का सारा लिया जाएगा आपको अगले एक तारीख को यानी कि इस मंथ में जितने भी आप टोटल ट्रांजेक्शन किए होंगे सारे का सारा पैसा आपको अगले मंथ में कटेगा मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप एक मंथ में अगर आप चार ट्रांजेक्शन से ज्यादा करोगे तो आपको पर ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे कटने वाला है फाइव रुपीज प्लस में अठारह परसेंट जी यानी कि अगर आप सौ रुपये का ट्रांजेक्शन कर दे जैसे चार ट्रांजेक्शन आप कर लिए पचवा ट्रांजेक्शन अगर आपका सौ रुपये का होता है तो अठारह परसेंट और प्लस में पाँच रुपये जी यानी कि सौ पे आपको तेईस रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट होने वाले हैं तो दोस्त ये है अभी तक मेरे लाइफ का सबसे बैड न्यूज़ यहाँ पे निकल कर के आया कैनरा बैंक की तरफ से जो कि दोस्त आप यहाँ पे साइड पे देख भी रहे होंगे कि मेरे एक तारीख को मेरे अकाउंट से बैलेंस कटा हुआ था जो कि दो सौ अठासी दशमलव कुछ पैसे हैं मेरे अकाउंट में यहाँ पे सिक्सटी फाइव या शायद सिक्सटी एट रुपीज़ कम था तो मेरा अकाउंट यहाँ पे माइनस में चला गया था दोस्त मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि आपका जो मैंने इस वीडियो में बताया कि 18 परसेंट जी प्लस में पाँच रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे कटेगा और जो भी बैलेंस आपका कटेगा वो आपका अगले अगले नेक्स्ट मंथ में आपका ले लिया जाएगा फर्स्ट तारीख को तो इस चीज़ से मैंने बचने के लिए उपाय सुना या फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया आप यहाँ पर ऑडियो भी सुन सकते हो आडियो भी मैं यहाँ पर दे दूँगा ठीक है दोस्तों वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा आपको यहाँ पे जो जीरो सेविंग अकाउंट है उसको आपको जनरल सेविंग अकाउंट तो में कन्वर्ट कराना पड़ेगा तो जनरल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ लगेंगे जैसे कि अगर आप जनरल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराते हो अपने जीरो सेविंग बैलेंस अकाउंट को तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा अगर आप चेक बुक नहीं लेते हो तो आपको यहाँ पे पाँच सौ रुपये हर एक मंथ आपके अकाउंट पे होना चाहिए जैसे कि अगर आपके अकाउंट पे पंद्रह सौ रुपये है तो आप एक हज़ार रुपये निकाल करके पाँच सौ रुपये वहाँ पर रहना ही चाहिए हर एक मंथ ठीक है दोस्त अगर आप वहाँ से कैनरा बैंक का चेक लेना चाहते हैं तो अगर उसका चेक लेंगे तो आपको एक पर मंथ आपके अकाउंट पर होना ही चाहिए जो कि ये बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है ठीक है दोस्तों तो ये न्यूज़ यहाँ से निकल करके आ रही है चलो दोस्त यहाँ पे मैं एडियो दे देते रहा हूँ आप यहाँ से ऑडियो सुन लीजिए कि कस्टमर क्या, क्या 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 कहना था और उन्होंने यहाँ पे क्या बताया दोस्त अभी तक चैनल को नए हैं चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में आ रही आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फिलहाल के लिए जय हिंद